आप जो भी सामान खा रहे हैं क्या वो पूरी तरह से शुद्ध है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कानपुर HBTI इंस्टीट्यूट ने जिस तरह से रिसर्च किया है वो ये बता रहा है कि मस्टर्ड ऑयल में ज्यादातर कंपनियां मिलावट कर रही हैं। यानी समझ लीजिए आपकी सेहत के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। विश्वास के साथ आप सामान खरीदते हैं लेकिन हो सकता है जो विश्वास आप रख रहे हो उन चीजों में वही उसी के साथ धोखा हो रहा हो। और अब ऐसे में तो यही सवाल उठता है कि अब सब कुछ नकली मिलने लगा है, दूध नकली, मसाले नकली, तेल नकली। तो कानपुर की HBTI इंस्टीट्यूट का कहना है कि मस्टर्ड ऑयल में केमिकल की मिलावट हो रही है और ये मिलावट बड़ी और नामी कंपनियां कर रही हैं। इसकी वजह से लोगों को गंभीर बीमारी भी होने का खतरा है। अब ऐसे में लोग खाएं तो खाएं क्या? भारत में सरसों का तेल सदियों से खान पान में इस्तेमाल होता रहा है। माना जाता है कि इसके इस्तेमाल से शरीर मजबूत रहता है और प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। लेकिन अब सरसों के तेल के नाम पर मिलावटी तेल बाजार में बेचा जा रहा है। धोखा देने के लिए इसमें पीला रंग भी मिला दिया जाता है। एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि कई तरह के केमिकल से तैयार ये तेल न सिर्फ घातक है बल्कि कई बीमारियों को भी जन्म दे रहे हैं। कानपुर के HBTI लैब की रिसर्च के मुताबिक ये मिलावटी तेल शरीर की पाचन क्रिया में शामिल नहीं होते हैं और आंतों से होते हुए शरीर से बाहर निकल जाते हैं। बाजार में जो सरसों का तेल है उसमें बहुत मिलावट है, अतः उस पर हम लोगों ने एक अध्ययन किया है और उसी अध्ययन के अंतर्गत ये पाया गया है कि जो बाजार में साधारण तेल जो खुले हैं सब ब्रांडेड प्रोडक्ट मल्टीनेशंस के सब भारतीय उत्पादक करता है उनमें बहुत मिलावट है। HBTI ने रिसर्च के लिए कई राज्यों से तेल के नमूने इकट्ठे किए। इनमें लोकल तेल से लेकर बड़ी कंपनियों के ब्रांडेड तेल भी शामिल थे। 8 महीने की रिसर्च से पता चला कि तेल में कुछ केमिकल तो मानक से 20 गुना अधिक मात्रा में मौजूद थे। रिसर्च से पहले भी ये साबित हो चुका है कि सरसों की जगह अर्जीमोन के इस्तेमाल से ड्रॉपसी जैसी बीमारी हो सकती है। ये बिल्कुल जहर है क्योंकि इससे बहुत गंभीर रोग हो सकता है जिसे कहते हैं एपिडेमिक ड्रॉपसी। ये एपिडेमिक ड्रॉपसी बहुत खतरनाक बीमारी है। इसमें सूजन के अलावा जब ये पानी भरता है ये पानी पूरे शरीर में फैलता है, फेफड़े तक पहुँच जाता है और फेफड़े से ये हार्ट तक में जोर डालता है और हार्ट में इतना प्रेशर डालता है हार्ट फेलियर हो जाता है। इस रिपोर्ट के बाद केमिकल इंजीनियरों ने ऐसे तेल से होने वाली बीमारियों का पता लगाने के लिए मेडिकल बोर्ड गठित करने की सिफारिश की है। वहीं आम आदमी भी रिपोर्ट के बारे में जानकर हैरान परेशान है। पहले भी ये बात सामने आ चुकी है कि देश में जितना सरसों पैदा होता है उससे ज्यादा तेल बाजार में मौजूद है। ऐसे में मिलावटी और नकली तेलों पर रोक लगाकर ही आम आदमी की सेहत का ख्याल रखा जा सकता है। तो आप जो भी खाइए कम से कम ये सोच के खाइए या समझ के खाइए, देख कर खाइए कि दरअसल उसमें कहीं ऐसा तो नहीं है मिलावट है। अगर लग रहा है आपको खाने में कि टेस्ट में कुछ फर्क है या कुछ भी है तो फिर अलर्ट हो जाइए। तो नकली खाद्य तेल लीवर को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है ये हम आपको बताते हैं। ये शरीर के डाइजेशन सिस्टम को भी बुरी तरह से हिलाकर रख देता है। नकली खाद्य तेल से हाइपरटेंशन और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। नकली खाद्य तेल की वजह से किडनी भी खराब हो जाती है। तो जॉइंटिस, हेपेटाइटिस, उल्टी, पेचिस, एनीमिया जैसी घातक बीमारियां मिलावटी तेल से हो सकती हैं। यानी कि सीधा सीधा आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो चंद मुनाफे के लिए कैसे लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हैं कंपनियां, लेकिन इन्हें क्या रोकने के लिए कोई नियम नहीं है? क्या इन पर सख्ती नहीं हो सकती और इस तरह से हिम्मत कैसे हो जाती है मिलावटखोरों की मिलावट करने की? क्या कहीं ना कहीं सिस्टम की खामी इसमें नजर आती है?